Hello guys, I am Shruti, I am from NMIMS and I am Tanisha, I am also from NMIMS. आज हम बात करेंगे कंज्यूमर्स के बारे में. हम सब जानते हैं कंज्यूमर्स एक बहुत ही यूज होने वाला टर्म है, बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत कंज्यूमर क्या होता है और कौन होता है उस एक्ट में कंज्यूमर, ज्यादा जानेंगे तनीषा से. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कंज्यूमर वो होता है जो कि गुड्स खरीदता है फुल पेमेंट पे, या फिर ही प्रोमिसेस टू पे, या फिर उसने पार्टली पे कर दिया है और पार्टली प्रॉमिस किया है पे करने के लिए, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से परमिशन लेके उनको यूज करता है उसको हम कंज्यूमर कहते हैं. पर जो भी इंसान अगर कमर्शियल पर्पसेस के लिए, मतलब कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए कोई भी गुड्स खरीदता है, गुड्स एंड सर्विसेज का यूज करता है, उसे हम कंज्यूमर नहीं मानते. पर अगर कोई इंसान सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर अपनी लाइवलीहुड के लिए गुड्स या सर्विसेज खरीदता है उसे कंज्यूमर माना जाता है. काफी क्लैरिटी हमें मिली है कंज्यूमर्स के बारे में. अब हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि एक्चुअल रियल लाइफ में ये कैसे यूज होता है. फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि अगर हमने कार खरीदी टैक्सी के उसमें, तो तनीषा आप ये बताएं कि कब एक इंसान कंज्यूमर होगा और कब वो कंज्यूमर नहीं होगा. तो अगर कोई भी व्यक्ति कार खरीदेगा खुद उसे कैब की तरह चलाने के लिए, मतलब खुद कैब सर्विसेज देने के लिए, तो वो कंज्यूमर होगा. पर अगर उसने वो कैब किसी और ड्राइवर को दे दी चलाने के लिए तो वो एक कंज्यूमर नहीं होगा. सिमिलरली अगर किसी का बिजनेस, कोई अगर ट्रेडर है, किसी ने कार खरीद के कोई बेचता है, तो उस केस में जब वो कार्स खरीदेगा तब भी वो कंज्यूमर नहीं माना जाएगा. ये तो हमें पता चल गया कार के बारे में, लेकिन अब हम बात करें लैपटॉप, जो कि बहुत ही यूज होने वाली चीज है. लैपटॉप एक इंसान खरीदता है अपने यूज के लिए, पर कई बार हम ऑफिशियल यूज के लिए भी करते हैं. तो क्या हमें विस्तार में बताएंगे दर्शकों के बेनिफिट के लिए कि कब वो कमर्शियल हो कंज्यूमर होगा और कब वो कंज्यूमर नहीं होगा, अगर मैंने एक लैपटॉप लिया है. तो अगर आप एक लैपटॉप लेंगे और उससे आप अपने ऑफिस भी लेकर जा रही हैं और उस पर आप खुद काम कर रही हैं, खुद अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो आप कंज्यूमर हैं. पर अगर आपका, फिर से अगर आपका बिजनेस है, अगर आप लैपटॉप लेकर बेचती हैं, आप ट्रेडर हैं, तो आप उस केस में कंज्यूमर नहीं होंगे. ठीक है, मान लीजिए मैं एक लैपटॉप शॉप ओनर हूँ और उस केस में मैंने लैपटॉप लिया है और मैं उसे आगे सेल कर रही हूँ, तो मैं कंज्यूमर नहीं होंगी, यही कहना चाह रही हूँ. जी, एक और एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए अगर मेरी खुद की एक क्लॉथ की शॉप है या हमें से किसी की भी एक क्लॉथ की शॉप है और वो एक और फोटोस्टैट मशीन लगाता है बिजनेस बढ़ाने के लिए, उस केस में आप बताइए कंज्यूमर क्या वो होगा या वो नहीं होगा. तो इस केस में उसका जो लाइवलीहुड है वो अर्न कर रहा है पहले ही कपड़े की दुकान से. तो अगर अब वो फोटोकॉपी की मशीन लेता है एक और बिजनेस शुरू करने के लिए, तो वो लाइवलीहुड के लिए नहीं ले रहा है, वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए ले रहा है. इस केस में वो उसे कमर्शियल पर्पस के लिए ले रहा है, इसलिए वो एक कंज्यूमर नहीं माना जाएगा इस एक्ट के अंडर. ठीक है, तो फिर इस केस में ये कंज्यूमर नहीं माने जाएंगे. जो भी अभी तक हमने जाना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में, अब उसका एक ब्रीफ नीचे बताएंगे. तो सबसे पहले कि कोई भी अगर कोई गुड्स खरीदता है या अग्री करता है टू बाय गुड्स एक कंसिडरेशन के लिए, पर्सनल यूज के लिए, उसे कंज्यूमर माना जाता है. दूसरा, जो भी बायर है गुड्स का, अगर उनकी परमिशन से कोई गुड्स को यूज करता है उसे भी इस एक्ट के अंदर कंज्यूमर माना जाता है. तीसरा, कोई अगर गुड्स लेता है हायर परचेज पर या लीज पर, तो उसे भी कंज्यूमर माना जाता है. चौथा, अगर कोई सर्विसेज लेता है किसी कंसिडरेशन के बदले, तो उसे भी कंज्यूमर कहा जाता है. फिर कोई अगर सर्विसेज लेता है कोई जिसकी पेमेंट अभी नहीं हुई है या प्रॉमिस कर रहा है पेमेंट के लिए या हायर परचेज या लीज पर, उसे भी कंज्यूमर माना जाता है. जिसने सर्विसेज ली हैं, उनकी खरीदी है, जो बायर है सर्विसेज का, उनकी परमिशन से अगर कोई और यूज करता है उन सर्विसेज को, उसे भी कंज्यूमर माना जाता है. अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए या अपने लाइवलीहुड के लिए कोई गुड्स या सर्विसेज देता है, उसे भी कंज्यूमर माना जाता है. पर अगर कोई कमर्शियल पर्पस के लिए, मतलब कोई बेच आगे सेल के लिए या कोई और कमर्शियल पर्पस के लिए जिससे उसका बिजनेस बढ़ेगा या जिसमें प्रॉफिट मोटिव है, उस केस में उसे कंज्यूमर नहीं माना जाता है. आज हमने जाना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में तनीषा से. अब मिलते हैं अगले वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक.